हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सकुरा के वाइट जेल पेन्स के बारे में, जो कि हम हाइलाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में, कलर पेंसिल ड्राइंग में, या फिर चारकोल ग्रेफाइट आप किसी में भी यूज़ करते हैं। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं इसको 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हाइलाइट्स करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह के होते हैं और किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में। तो लेट्स सी। सो गाइस, मेरे पास 3 वाइट जेल पेन का सेट है जो कि हम हाइलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं। एक है 08, 05 और 10। तो इनकी निब डिफरेंट है, एक पतली है, उससे मोटी है और उससे मोटी है। तो मेड इन जापान सकुरा जेल इंक पेन्स, तो वाइट कलर के हैं ये। ये आपको और कलर में मिल जाएंगे, तो देख लो कुछ इस तरह का है। और इसका प्राइस है 165 में आपको ये तीनों मिल जाएंगे। अगर आप एक लेना चाहें तो आप एक भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास है 10 वाला, इसकी निब काफ़ी मोटी है, इन तीनों में सबसे मोटी इसी की है, 10 वाले की। तो देख लो कुछ इस तरह का है। सो तीनों की निब देख लो कुछ इस तरह की है। जो 05 वाला है वो काफ़ी पतला है, और उसके बाद 08 और 10 वाला। अब यूज़ करके देखते हैं। तो मैं ग्रेफाइट के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेफाइट के ऊपर काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। तो देख लो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइट के ऊपर इसको चला नहीं सकते आप पेन की तरह, जिस तरह से पेन चलता है कहीं भी, जैसे ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर चल जाएगी, बट ये चलेगा नहीं इसके ऊपर। ओनली हाईलाइट्स कर सकते हो आप, छोटे छोटे हाईलाइट्स कर सकते हो इस तरह से। देखो मतलब चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कम्प्लीट ये चल नहीं रहा है, जैसे कि वाइट है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे ना तभी ये यूज़ हो पाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट के पार्टिकल इसकी निब के अंदर चले जाते हैं तो आप चला नहीं पाओगे। बट हल्की फुल्की अगर करना चाहो तो आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं हल्की फुल्की हाईलाइट्स, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 05 वाला, तो ये तो बिल्कुल ही पतला है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 08 वाला, इसकी निब थोड़ी मोटी है 05 वाले से, और जो मैंने पहले यूज़ किया था जो कि काफ़ी डार्क सा लग रहा था आपको, वो 10 वाला था। अब इसको ब्लेंड करके दिखाता हूँ मैं आपको। ब्लेंड करने के बाद ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, देखो हल्का हो गया। इसके ऊपर से आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ब्लेंड करने के बाद अगर यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो पाएगा ये। शेडिंग के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट के पार्टिकल इसके अंदर चले जाते हैं, इसके निब के अंदर। और अगर आपको इसको इरेज करना हो तो इसके ऊपर से आप ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखो पेंसिल से मैंने इसको ढक दिया पूरा, तो काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर से शेडिंग आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने चारकोल शेडिंग किया, तो चारकोल से आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं चारकोल के ऊपर इसको। और कलर पेंसिल्स में तो बहुत यूज़ होता है, क्योंकि कलर पेंसिल को इरेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो हम वाइट जेल पेंस का यूज़ करते हैं। सो अब मैं आपको मेरी ड्राइंग्स दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने इनको यूज़ किया है और किस तरह से यूज़ किया है, वो भी देख लेना। सो ये शिवाजी महाराज वाली ड्राइंग में मैंने यूज़ किया है। ये जो ज्वेलरी है इनकी, जो भी मोती से हैं, यहाँ पे देखो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल वाइट होता है इनके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वाइट जेल पेन का, और काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। ज्वेलरी को ड्रॉ करने में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये वाइट जेल पेन्स। और ये वेनम वाली ड्राइंग में मैंने बहुत यूज़ किया था। ये देखो जो भी आपको वाइट वाइट डॉट्स दिख रहे हैं, जो भी हाईलाइट्स दिख रहे हैं ज़्यादा वाइट हैं जो, उनमें मैंने वाइट जेल पेन का ही यूज़ किया था। उसी वजह से इसमें शाइन आ रहा है और काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। और ये आई में भी मैंने इसी का यूज़ किया था, ये मैंने जो क्राफ्ट पेपर के ऊपर बनाया था, जो भी वाइट एरियाज़ दिख रहे हैं आपको, एक्सट्रीमली वाइट एरियाज़, वहाँ पर मैंने वाइट जेल पेन का ही यूज़ किया था, जिसकी वजह से काफ़ी 3D लग रही है ये आई, काफ़ी अच्छे से यूज़ हो पाता है जेल पेन इनके ऊपर। ये और भी कलर्स में आते हैं जेल पेन मेरे पास है, मैं जल्दी ही वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा, कुछ ड्रॉ करके बताऊंगा। और जो मैंने ये वाली ड्राइंग बनाई थी ब्लैक पेपर पे, इसमें मैंने कंप्लीट उन्हीं जेल पेन्स का यूज़ किया था और काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पाई है। तो आप किसी भी कलर के पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, जो कि वाइट से मतलब ब्लैक हो, ग्रे पेपर हो, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से। इस वाली ड्राइंग में मैंने वाटर कलर्स में भी इनको यूज़ किया था, तो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट्स हो पाए थे, जो कि आप खुद ही देख सकते हैं। और गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और समझना इन पेन्स के बारे में, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी वाइट एरिया है तो वहाँ पे इनको आप अपने वाइट एरियाज में इन्हीं को यूज़ करना है। आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये ड्राइंग मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें मैंने जो भी वाइट एरियाज है वहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है, क्योंकि अगर मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करता तो अजीब सा लगता, जो कि आप खुद देख सकते हैं जो भी डिटेलिंग है इसमें काफ़ी तगड़ी वाली डिटेलिंग है। तो मैंने इसमें मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया और बीच में मैंने जगह छोड़ी है, वहाँ पे शेडिंग नहीं किया मैंने वहाँ पे, चाहे बाद में थोड़ा बहुत वाइट जेल पेन का भी यूज़ किया है। बट आपको देखना पड़ेगा आपकी ड्राइंग में आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जगह छोड़ो वाइट एरियाज़ को ऑप्ट करने के लिए, वाइट जेल पेन का यूज़ जितना कम हो सके उतना यूज़ करो। वाइट एरियाज़ को ऑप्ट करने के लिए आप जगह छोड़ो, या फिर वहाँ पे आप इरेजर का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई भी ज़्यादा वाइट एरियाज़ होते हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं, कोई एक्सट्रीमली वाइट एरियाज़ हो गए, कोई थोड़ी छोटे मोटी जगह पे होंगे तब आप यूज़ करो, अदरवाइज़ कंप्लीट में मत करो। जिस तरह से ये शिप वाली ड्राइंग में देखो, जो भी वाइट एरियाज़ हैं इसके नीचे, वहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है और काफ़ी टाइम लगाया वहाँ पे मैंने।
सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। इनको यूज़ करने से पहले देखो अपने टेक्सचर को किस तरह का है, कि आप वहाँ पे जगह छोड़नी है या फिर वहाँ पे आपको इरेजर का यूज़ करना है या फिर वहाँ पे आपको जेल पेन का यूज़ करना है वाइट एरियाज़ को ऑप्ट करने के लिए। जैसे कि इस ड्राइंग में देखो आइरिस है, जो वहाँ पे जो भी हाईलाइट्स है वहाँ पे मैंने इरेजर का यूज़ किया है या फिर जगह छोड़ी है, तभी ये काफ़ी शाइनी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं जेल पेन का यूज़ नहीं कर सकता था तो भद्दा सा लगता, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इस वाली ड्राइंग में देखो जो बियर्ड है वो मुझे और ज़्यादा वाइट चाहिए थी, तब इसमें मैंने यूज़ किया था वाइट जेल पेन का। अदरवाइज़ आप इरेजर का यूज़ करके ही इस तरह के वाइट हेयर्स को ड्रॉ करो, ज़्यादा चाहिए थे मुझे इसलिए मैंने यूज़ किया, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सो गाइज़ ये हैं सकुरा के वाइट जेल पेन्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में हाईलाइट्स करने के लिए। किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो भी वाइट एरियाज होंगे, एक्सट्रीमली वाइट एरियाज होंगे, वहाँ पे आप कर सकते हैं। कलर पेंसिल्स में आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कलर पेंसिल्स को इरेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि इनका कम से कम यूज़ करना और जहाँ पर नेसेसरी हो वहीं पर यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने वाइट एरिया देखा वहाँ पर यूज़ कर दिया, ग्रेफाइट में, ब्लैक एंड वाइट में, कहीं भी वाइट एरिया देखा वहाँ पर यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इरेजर का यूज़ सबसे ज़्यादा आप इरेजर का यूज़ करना हाईलाइट्स के लिए, क्योंकि वो उससे इरेज हो जाता है, बट इससे इरेज नहीं होता। ये ऊपर से दिखेगा आपका अलग से, इसमें शाइन भी दिखेगी आपको। तो आपको रिकमेंड करूँगा जितना ज़्यादा हो सके आप इरेजर का यूज़ करना। इसका जहाँ पे यूज़ कर सकते हो थोड़ा दिमाग लगाना कि वहाँ पे आपको कितनी हाईलाइट करने का। ज़्यादा एक्सट्रीमली वाइट एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इरेज नहीं कर सकते, जैसे कि आई के बीच में होता है, हल्के से डॉट होता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे किस तरह से आपको यूज़ करना है। थोड़ा सा कि इरेजर का यूज़ कर सकते हैं आप, इरेजर से इरेज हो जाता है, और आपको हल्का सा मान लो कहीं हल्का सा हाईलाइट करना है तो आप इरेजर का यूज़ करोगे, इसका यूज़ क्यों करोगे। तो बता दिया मैंने आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, इसका ज़्यादा यूज़ मत करना, कम से कम ही यूज़ करना, क्योंकि ये केमिकल होता है तो पेपर भी ख़राब हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भी मैं ऐसी मटेरियल्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे पास और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मटेरियल्स हैं अभी जिन पे मैं जल्दी ही वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो गाइस स्टे कनेक्टेड, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।